आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। शब्दों से न पहुंचे ठेस, अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है प्रतिदिन। अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं, वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी तुम्हारा से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आंकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न डालें। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। 10 मौकों में पांचवा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक हैं तो रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोलें। छठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीतिशास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है।
कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। में सातवां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। आठवां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। कहते हैं कि 10 जगहों में 9 ही ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं। 10 माह ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।